नमस्कार बहनों, होम रेमेडी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी का मौसम आ चुका है तो चलिए आज एक नए फल का हम शरबत बनाते हैं। ये फल है बेल, इसमें औषधीय गुण होते हैं तो ये पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। कॉन्स्टिपेशन, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है तो चलिए आज हम बेल का शरबत बनाते हैं। तो बेल में बहुत ही औषधीय गुण होते हैं, ये शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पेट की समस्या से छुटकारा दिलाता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, पेट का गर्म हो जाना, पेचिस का हो जाना, पेट को ठीक करता है, पेट को ठंडा रखता है और हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। तो इतना अच्छा फल जब हमको मिले तो हम क्यों नहीं इसका लाभ उठाएं। तो चलिए हम इसका शरबत बनाते हैं। तो ये हमने बेल का फल लिया है और इसको हमने तोड़ लिया है इस तरह से, देखिए ये पक चुका है, बेल पका हुआ पूरा है। इसके में जो गूदा होता है, ये भीतर का जो पार्ट है, वो हम अच्छी तरह से चम्मच के सहारे से इसको निकाल लेते हैं, इस तरह से डालते जाएंगे ये निकाल के। बेल का गूदा निकाल लिया है और इसको हम ये पानी में अच्छी तरह से मैश करेंगे, क्योंकि ये रेशेदार होता है, बीजा भी इसमें काफ़ी होता है, इसलिए हमें थोड़े हाथ की सहायता से इसको अच्छी तरह से थोड़ा मसलना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने बेल को अच्छी तरह से मसल के पानी में घोल लिया है। अब हम इसे छन्नी की सहायता से छान लेंगे। ये इस प्रकार हम इसे अच्छी तरह से छान लेते हैं। ये तो ये सारा इसका जो रेशा वाला भाग है ये छन्नी में आ जाएगा और एक अच्छा शरबत आपके लिए तैयार हो जाएगा। तो छानने के बाद में बेल का ये रूप हो जाता है। तो देखिए इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हम शक्कर अपने स्वाद के हिसाब से, कि आपको कितना मीठा पसंद है, वो हम मिला लेंगे इसमें। आजकल लोग कम मीठा का सेवन करते हैं तो हमने इसमें चीनी मिला लिया है। चीनी मिला के इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो ये शरबत बेल का तैयार हो चुका है। मैं तो चली पीने, आप भी बना के देखिए और पी के बताइए स्वाद कैसा लगा। धन्यवाद। शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।